नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम चौधरी और मैं आप सभी का श्री रेणुका माता नर्सरी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, तो इसके अंदर हम बताने वाले हैं हमारा जो श्री रेणुका माता नर्सरी पुणे का जो यूनिट है, तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो चंपा यानी चाफा, ये वैरायटीज में हमारा जो है स्पेशलाइजेशन है। तो इसके थ्रू अभी हमारे पास अलग अलग कौन से वैरायटीज है, तो ये वीडियो के अंदर हम आपको जो पूरी जानकारी है तो इसके चाफा यानी चंपा इस वैरायटी के बारे में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंपा के वैरायटीज कौन से है। अभी हम देखते हैं एक अलग वैरायटी जिसका नाम है प्लूमेरिया पुड़िका, यानी पुड़िका चंपा भी इसे कहते हैं। तो आप अगर इसे देख सकते हो, अभी इसको डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, इसको पहचान कैसे सकते हैं, तो अभी फिलहाल आप फ्लावर देख सकते हो। इसका फ्लावर जरा जरा सिमिलर लगता है प्लूमेरिया अल्बा वैरायटी, उसके जैसा ही इसका थोड़ा सा फ्लावर आता है, लेकिन आप इसे जो है डिफरेंशिएट वो इसके लीफ से कर सकते हो। आप इसके लीफ जो है वो देख सकते हो, पूरा जो इसका पत्ता है, तो इसके हिसाब से हम इस वैरायटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसकी जो अभी हाइट आप इधर देख रहे हो, ये फिलहाल पॉट में है और ये बिल्कुल 4-5 फीट के करीब में ये प्लांट है, 5-6 फीट के हाइट में है। तो ऐसे वैरायटी के और ऐसे प्लांट अभी फिलहाल आप हमारे नर्सरी पे देख सकते हो। तो अभी ये जो वैरायटी है आप इसे देख सकते हो, ये पूरा ही इसका जो लीफ का पैटर्न है और जो फ्लावर है ये पूरे ही अलग है। इसे सोन चाफा कहते हैं, यानी जो येलो कलर के ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सेंटेड होते हैं। और आप अभी मैं आपको इसके फ्लावर दिखाता हूँ। तो ये जो है ये फ्लावर है इसका, और आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा इसका इमरजेंस है। अभी ये साइज में जो इसका फूल है, तो अभी मार्केट में इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए के करीब में एक पैकेट में जाता है। उसके अंदर 10 फूल रख के इसको, मतलब हम इनकम एज ए इनकम के इनकम सोर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये अभी फिलहाल 9-10 के बैग साइज में हमारे पास अभी सेलिंग के लिए। तो आप अभी देख सकते हो ये पूरा बेड इसी का है, और इसका जो सेंट है वो एकदम अलग इसका सेंट है। और इसके अंदर और एक ये जो अभी आपने देखा येलो कलर का फ्लावर है, इसके अंदर ही और एक यही सोन चाफा में व्हाइट कलर का एक फ्लावर आता है इसका, वो भी हम यही वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट वैरायटी है तो वो है प्लूमेरिया सिंगापुर, यानी ये जो वैरायटी है इसे सिंगापुर ड्वार्फ चंपा भी कहते हैं। और इसका जो फ्लावरिंग पैटर्न है उसका एक अलग व्हाइट कलर के फ्लावर्स और उसमें थोड़ा सा पिंक कलर का शेड हमें दिखाई देता है। तो ये एक वैरायटी है, ये ड्वार्फ वैरायटी है। इसका ज्यादा से ज्यादा 4-5 फीट के करीब में जो हाइट है वो इसका हाइट में होता है। तो अभी देख सकते हैं ये इसका नाम प्लूमेरिया मलेशियन ये वैरायटी का नाम है, और इसका जो फ्लावरिंग पैटर्न है वो जरा सिमिलर है सिंगापुर के वैरायटी में, लेकिन आप देख सकते हो ये पूरा पिंक कलर का शेड इसको है। जो हमारा सिंगापुर का वैरायटी था इसको थोड़ा लाइट में पिंक कलर का शेड था, और पूरा जो फ्लावर है वो व्हाइट में था, लेकिन इसका पूरा फ्लावर पिंक में है और थोड़ा सा व्हाइट में शेड आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसके पत्ते भी थोड़े से अलग है। तो ये वैरायटी है प्लूमेरिया मलेशियन। तो ये भी अभी फिलहाल हमारे पास पॉट में है, और इसके भी प्लांट्स अवेलेबल बल्क साइज में है, बल्क क्वांटिटी में है। तो इसके भी रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं जो प्लूमेरिया अल्बा, यानी जो हमने बताया जो रूट स्टॉक होता है, तो वो प्लांट एक्चुअल में कैसे दिखता है, तो मैं आपको एक उसका जो है वीडियो में बताता हूँ। तो अभी आप इधर देख सकते हो ये हमारे फिलहाल पीछे 25x25 का जो बैक साइज है उसके अंदर ये
पूरा जो प्लांट है इसको हमने सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल सीधा बढ़े और आगे ऊपर जाके इसके जो ब्रांचेस है तो वो इसके निकल आए। तो हमें इसको सिर्फ प्रूनिंग करना है, जो एक्स्ट्रा की इधर के जो ब्रांचेस है वो हमें क्लियर करना है, यानी इसका जो मेन जो स्टेम है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। और इधर से आगे आप देख सकते हो, इधर से इसके पूरे मेन ब्रांचिंग स्टार्ट है। तो अभी हम दिखाते हैं इसके जो फ्लावर पैटर्न है वो फ्लावर कैसे है। तो आप देख सकते हो पूरा प्लेन व्हाइट में तो येलो कलर के जो थोड़े डॉट में ये आता है। तो अभी जैसा जो वैरायटीज हमने देखा, तो इसमें अभी ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हो ये है प्लिमेरिया थाईलैंड, जो थाईलैंड की वैरायटीज है, थाईलैंड चंपा, तो ये इसके वैरायटीज है। अभी आप देख सकते हो ये जो हमारे पूरे ये जो है मदर प्लांट्स है, इसका जो हम ग्राफ्टिंग के लिए इसके जो आप देख सकते हो अभी जो फिलहाल हमने जो ग्राफ्टिंग किया, इसका जो कटिंग है वो आप देख सकते हो, इसका नया जो स्प्राउटिंग भी हुआ है आप देख सकते हो। पूरा कटिंग के लिए जो है हम इसका यानी ये मदर प्लांट्स है। तो अभी इसकी जो टोटल अभी इसकी जो लाइफ है वो अभी 4 से 5 ईयर्स के करीब है। ये जो प्लांट्स है 4 से 5 इसको साल हो गए हमारे पास है। वैरायटीज है इसे हम कट करके ग्राफ्टिंग के लिए खाली इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी प्लिमेरिया के चंपा के अलग अलग वैरायटीज है तो वो हमने आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा दिए हैं। इनके फ्लावरिंग पैटर्न आपने देखा, इनके ऊपर जो पेस्ट डिसीज और जो भी इसका इंसिडेंस है वो सब आपने देखा। तो ये वीडियो हमारा और ये जो हमारा जो प्लिमेरिया का कलेक्शन है वो हमें वो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और अगर किसी को ये प्लांट्स चाहिए, अगर जिसकी भी ऑर्डर है, तो वो हमें जो भी हमारे व्यूवर्स है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये प्लांट्स हमारे 5x6 यानी छोटे पैकेट में अभी रेडी है सेलिंग के लिए, तो वो हमें आप बता सकते हो। और ये वीडियो हमारा आज का कैसा लगा वो हमें कृपया कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।